सुबह की प्यार भरी नमस्ते आप सभी मित्रों को। मित्रों, ये छोटी सी हार्वेस्टिंग मेरी आज सुबह की, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी ही इस छत बगिया में। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब सारी गार्डनिंग कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो जो काम मैंने किया है वही सब कुछ आपसे मैं साझा करने वाली हूँ, और कुछ अपनी बगिया में जो प्लांट्स हैं इतनी बारिशों के बाद, फ्रेंड्स उनको हल्का हल्का थोड़ा सा गैप दे करके हमें अभी रखना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के बाद से मैंने तो प्लांट्स सारे इकट्ठा करके बिल्कुल रख दिए थे ग्रीन नेट के नीचे, जो कि थोड़ा शेड लविंग प्लांट्स हैं उनको मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा, बाकी मेरे ओपन टेरेस पर थे। तो ये मेरा वो एरिया है जहाँ पर कि मैंने ग्रीन नेट के नीचे ये प्लांट्स रखे हैं, कोलियस हो और अदर्स प्लांट्स हैं जो, तो वो सभी मैंने इस तरीके से बिल्कुल मिला जुला कर रखे हैं। तो अभी फ्रेंड्स मैंने इन प्लांटर्स के नीचे की सफाई भी आगे आगे की है, लेकिन इनके अंदर अंदर घुस करके बिल्कुल मैंने सफाई नहीं की है, तो वही सब कुछ मैं आगे करूँगी। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि अभी ये समय आ गया है कि इन सभी प्लांटर्स को थोड़ा सा गैप दे करके हमें रखना चाहिए, उसके बाद उसके नीचे से बिल्कुल डीप क्लीनिंग हमें करनी चाहिए। और अभी हल्की हल्की धूप भी अब स्टार्ट हो गई है, कल से हमारे देहरादून में बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, थम चुकी है, तो वही सब कुछ कार्य मैं आगे करूंगी, लेकिन आज नहीं कल मैं ये सब कुछ करूंगी। उसके साथ ही फ्रेंड्स मैंने कुछ कोलियस की कटिंग्स भी मैंने लगाई है, वो भी आपसे मैं साझा करूंगी। ये देखिए मेरा कोलियस कलेक्शन, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इन सभी को मैं बिल्कुल खोना नहीं चाहती, तो इसके लिए आप करें ये, जैसे जैसे आपके प्लांट्स बड़े हो जाएं, वो लेगी और लेंकी से हो जाए, तो उनको आप कटिंग्स ले करके उनको आप लगा लें, क्योंकि फ्रेंड्स लेगी और लेंकी जो प्लांट्स होते हैं तो वो फिर दिखने में उतने आकर्षक नहीं लगते हैं। तो उसके लिए आप करें ये कि उसमें से हर प्लांट में से आप कटिंग निकाल करके आप ज़रूर ये लगा लें, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जो वर्ष भर हमारे साथ बना रहता है। कभी इसकी खूबसूरती तो हमेशा ही हमें आकर्षित करती है, कभी थोड़ा सा ये डल भी हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से कटिंग से आप उन्हें अगर बचाएंगे तो आपके साथ ये वर्ष भर बने रहेंगे। देखिए ये इतनी कटिंग्स आप ले करके इसके नीचे की पत्तियों को आप हटा दें, उसके बाद फ्रेंड्स इसे आप सैंड में या मिट्टी में किसी में भी नॉर्मल आप लगा दें। तो इनको अभी मैंने लगाया है, मैंने कल सुबह इन्हें लगाया था, उसके बाद मैंने इन्हें इन्हीं कोलियस की छाए में रख दिया है, तभी तो देखिए बिल्कुल अभी भी वो मुरझाई सी नहीं है, हालांकि कटिंग्स है। तो इस तरीके से शेड में उन्हें आप रख दें तो ये आगे के लिए आपके प्लांट्स बन जाएंगे। तो ये काम एक मैंने किया है फ्रेंड्स। इसी के साथ फ्रेंड्स हमने गेंदा की कटिंग भी हमें लगा लेनी चाहिए, क्योंकि गेंदा की कटिंग जो हम लगाते हैं उससे हमें बहुत जल्दी से फूल हमें प्राप्त होते हैं। तो ये देखिए गेंदा की कटिंग भी आप ज़रूर लगा लें, तो बहुत ही आसानी से ये लग जाती है, और मैं आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया भी बहुत अच्छे से खिल रहा है। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ ये ऐसा प्लांट है, इसको मैंने गूगल पर सर्च किया था, ये मसूरी से मैं लेकर आई थी पिछले वर्ष, तो ये स्वीट पोटैटो वाइन करके कुछ इस तरह से नाम इसका आया था। तो ये देखिए इस तरह के श्वेत रंग के पुष्प इसमें खिल रहे हैं, पिछले वर्ष मैंने इसे लगाया था, ये देखिए श्वेत गुड़हल, तो पिछले वर्ष मैंने इन्हें लगाया था, बहुत अच्छे से ये अभी ग्रो कर रही है और फूल भी मुझे दे रही है। उसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ गेंदा की कटिंग, ये देखिए ये दो कटिंग्स मैंने गेंदा की लगभग 8-9 दिन पहले मैंने लगाई थी, तो ये अच्छे से ग्रो हो गई है, और ये 3-4 कटिंग्स मैंने थोड़ा लेट लगाई, तो ये अभी थोड़ा सा सुस्त हैं। तो ये सभी कार्य भी आपको कर लेना चाहिए फ्रेंड्स, कटिंग आपको गेंदा की भी लगा लेनी चाहिए। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये देखिए मेरे गुलदाउदी के प्लांट, जो कि मैंने कटिंग फ्रेंड्स लगाई थी बारिश शुरू होने से पहले, तो उसके बाद ये प्लांट्स उतने अच्छे इनकी ग्रोथ नहीं है, नीचे से इसकी सारी पत्तियां सूख चुकी हैं, ऊपर तो हल्की ये कलियां बनने लगी हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इनकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो कुछ मैंने इनकी कटिंग्स निकाल करके मैंने ग्रो कर ली हैं, कुछ मैं इन पौधों पर ही वर्क करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत समय बीत चुका है कि अब हम कटिंग लगाएं तो कब जाके हमें वो फ्लावरिंग मिलेगी, तो इसीलिए इन्हीं पर मैं काम करूँगी। उसके साथ ही फ्रेंड्स क्रेनबेरी हिबिस्कस के ये प्लांट्स देखिए कितने लंबे लंबे ये हो गए हैं, इनको भी मुझे फर्टिलाइज़ करना है,
तो जब मैं फर्टिलाइज इनको करूँगी, क्योंकि इनमें ऊपर कलियाँ बनने लगी हैं, और कलंचों की भी कटिंग आप लगा लें, क्योंकि कलंचो भी आगे आपको बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देगा। उसके साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सिलोसिया की कुछ पिछले 4-5 महीने पूर्व मैं इसका प्लांट लेकर आई थी, तो ये देखिए इसके भी नन्ही सी पौध जम गई हैं, तो इनको भी मुझे सेपरेट करना है। थोड़ा सा और बड़ा होने का वेट मैं कर रही हूँ, तो कुछ ऐसे गिफ्ट भी मिल जाते हैं फ्रेंड्स हमें, हम किसी प्लांट को एक बार अपनी बागवानी में लाते हैं। ये देखिए गुलदाउदी की कटिंग, जो मैंने अभी हफ्ता भर पहले ही ये लगाई है फ्रेंड्स, हालांकि लेट हो गई हूँ, लेकिन क्या करें, अब मैंने लगा तो दी थी लेकिन वो नहीं सर्वाइव कर पाई। हालांकि गुलदाउदी की कटिंग बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाती है, बहुत हार्डी प्लांट होता है, लेकिन इस वर्ष नहीं कर पाई। वडेलिया का ये फ्लावर बहुत खूबसूरती से खिलता हुआ, और यहाँ पर वो सभी कोलियस कलेक्शन मेरा, मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ, और अभी मैं करूँगी ये सारे कोलियस कलेक्शन को उठा करके एक साथ में एक तरफ को मैं लगा दूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा प्लांट फ्रेंड्स, मैं यहाँ से प्लांट भी शिफ्ट करूँगी अपने लॉन एरिया गार्डन में, तो ये काम आगे जा कर के मेरा बहुत बढ़ने वाला है। कुछ गार्डन मैं अपने लॉन एरिया और नीचे मैं शिफ्ट करने वाली हूँ, तो कुछ कुछ मैं यहाँ रहने दूंगी और कुछ मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगी। तो उसके बाद ही मैं, इसीलिए अभी मैंने इसे छेड़ा नहीं है कि एक साथ ही मैं ये सभी कार्य मैं करूंगी। उसके साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए कितने खूबसूरत ये फूल खिले हैं। ये फ्रेंड्स फायर क्रैकर्स है, ये भी फ्रेंड्स कटिंग से आसानी से लग जाता है, और देखिए कितने अच्छे से इसमें फूल खिल रहे हैं। और ये मेरा कटिंग के द्वारा बनाया हुआ प्लांट है, और इसकी जो मदर प्लांट है वो मेरा लॉन एरिया गार्डन में है। फर्न देखिए, फर्न कितना खूबसूरत से ग्रो हो रहा है, मॉइस्चर लविंग प्लांट है, बारिशों में तो इसके फिर बढ़त तो बहुत अच्छे से होती ही है। और इस सारे एरिया में मेरे सॉन्ग ऑफ इंडिया, ड्रेसिना, सुदर्शन प्लांट, और मेरा पाम प्लांट भी यहाँ पर है, रबर प्लांट है, तो ये, और यहाँ पर आप देखिए खूबसूरत सा लोरोपेटलम, तो ये लोरोपेटलम में देखिए कितने खूबसूरत से पिंक कलर के फूल इसमें खिलते हैं। अभी इसके पत्तियों का रंग हरा है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, धूप बढ़ेगी, तो इसके पत्तियों का रंग भी थोड़ा सा डार्क शेड में हो जाता है, तो लाल लाल रंग की इसकी पत्तियाँ हो जाती हैं, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगती हैं। और ये देखिए इसके प्रूनिंग के बाद ये कितना खूबसूरत से बढ़ रहा है, अम्ब्रेला पाम। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरे गार्डन की ग्रोथ पौधों की चल रही है। आगे बहुत से काम है, किचन गार्डन में भी आपको मैं दिखाऊंगी, और मेरी नेट भी ये लूज़ हो गई है, इसको भी मुझे अभी कसना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे शेड लविंग प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, तो ये इस तरफ को अगर मैं आती हूँ तो देखिए अभी मैंने सारे, मैंने छत की सफाई की है, बहुत तेज़ धूप है फ्रेंड्स, 9 बजे हैं तो बहुत तेज़ धूप है। ये देखिए हिबिस्कस, रोज़ ऑफ शेरोन जिसे कहा जाता है, तो इस तरीके से चल रही है। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक अपराजिता का प्लांट आपको दिखाऊं, देखिए कितना खूबसूरत इसका बैंगनी या पिंक इसे कहेंगे हम, बहुत ही सुंदर प्लांट है, मल्टी पेटल में है, और ये मुझे शायद छत्तीसगढ़ से मुझे एक मित्र ने इसके सीड्स मुझे स्वैप में दिए थे, तो हजारी मोगरा के बदले मैंने उन्हें 4 प्लांट दिए, तो उन्होंने मुझे ये सीड्स दिए थे। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे किचन गार्डन में ये टैंक की मिट्टी को भी मुझे अभी खोदना है ताकि ये अच्छे से सूख जाए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक मेरा मैंने प्लांट लगाया था, पपीते का पेड़, ये देखिए अच्छे से ग्रोथ इसकी चल रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अभी ये सारे के सारे जो मेरे किचन गार्डन की ये जो प्लांटर्स हैं, इनकी मिट्टी मुझे उलट पुलट भी करनी है। कुछ बेलें इसमें चल रही है, जिस वजह से मैं इसको बिल्कुल अभी छेड़ नहीं रही हूँ, क्योंकि इक्का दुक्का फल ये अभी भी दे रहे हैं। ये देखिए जैसे कि ये तुरई अभी 2 महीने तोड़ी है, ये अभी छोटी है तो इसको मैंने रहने दिया है। तो ये देखिए तो काफ़ी अच्छी, ये देखिए इस तरीके से फल, और ये पहाड़ी तोरी है फ्रेंड्स, धारी वाली, तो ये अभी लग रही है, बाकी तोरी तो नहीं है लेकिन यही अभी लग रही है। और इसके अलावा मिर्चें मुझे मिल रही हैं, कद्दू लग रहे हैं लेकिन कद्दू ख़राब हो रहे हैं, तो बस एक यही 2 बेलें मेरी चल रही हैं अभी। इसके साथ ही फ्रेंड्स डेलिया के कुछ प्लांट्स ये बल्ब के द्वारा ये देखिए ये ग्रो हो रहे हैं, तो इनको भी मैं कटिंग के माध्यम से आगे मैं लगाऊंगी। और यहाँ पर इस तरह से है मेरी ये बगिया, और मेरी फिंगर ये इस
कैमरे में आ रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से चल रही है मेरे गार्डन के सभी पौधों की ग्रोथ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अभी रोज़ में भी मुझे काम करना है। रोज़ की जो इक्का दुक्का फ्लावर्स खिल रहे हैं वो उतने अच्छे से नहीं खिल रहे हैं, तो इस पर भी मुझे काम करना है, इनको फर्टिलाइज़ मुझे करना है। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से चल रही है मेरे सारे प्लांट्स की ग्रोथ, और बहुत से काम है। और ये मेरी नेट बिल्कुल फट भी चुकी है, तो इसको भी मुझे थोड़ा सही करना है, इसको थोड़ा सा मुझे टाइट भी करना है फ्रेंड्स। तो बरसात के बाद फ्रेंड्स गार्डन में बहुत सारे काम हो जाते हैं, हमें डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए खूबसूरत सा अलमंडा का ये पिंक कलर का फ्लावर, बहुत ही खूबसूरत। मेरे पास दो अलमंडा है, एक येल्लो और एक ये येल्लो नहीं क्रीम। और यहाँ पर आप देखिए रोज़, बहुत ही सुंदर ये रोज़, ऑरेंज कलर का ये रोज़ है जिसमें कि तीन कलियाँ बनी है और एक फूल ये खिल गया है। बहुत ही खूबसूरत ये रोज़ है फ्रेंड्स, तो इसकी ये पहला खिलना बहुत ही सुंदर, ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। उसके साथ ही फ्रेंड्स हमें प्लांट्स में ये ध्यान देना चाहिए कि उनमें किसी इंसेक्ट का अटैक तो नहीं है। तो देखिए ये पूरे फूल में चींटियों ने अटैक किया हुआ है, बिल्कुल अंदर तक घुसी हुई है, बहुत सारे गुच्छे गुच्छे बना करके। और फ्रेंड्स एक प्लांट आपको ये दिखाती हूँ मैं, ये मैं नैनीताल से लेकर आई हूँ, जिसमें कि इस तरह से ये पिंक कलर का फ्लावर ये खिल रहा है। मेरे ख्याल से तो ये कलांचो है, और यहाँ पर कलांचो की कटिंग जो लगभग 2 माह पूर्व मैंने लगाई थी ये भी ग्रो कर गई है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेरा ये खूबसूरत सा कार्डबोर्ड पाम का प्लांट। तो फ्रेंड्स इन सभी कार्यों के साथ हमें आगे सर्दियों के फूलों की को अपनी बागवानी में खिलाने की भी तैयारी करनी है, कि आगे हमारी बगिया बिल्कुल फूलों से महक जाए। तो उसके लिए भी आप अपनी आगे की तैयारियां बिल्कुल कर लें। गेंदा हो गया, गुलदावरी हो गया, उसके साथ ही जीनिया हो गया, उसके साथ ही फ्रेंड्स काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स है, जेरेनियम हो गया, कलंचू हो गया, तो इन सभी को भी आप कटिंग से ग्रो कर लें। और फ्रेंड्स अगर आपके पास नहीं है तो इसे नर्सरी से आप ज़रूर परचेस करें और अपनी बगिया में खूबसूरत रंग आगे बिखेरें। तो मैं भी आजकल इसी पर कार्य कर रही हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स कि मेरी ये शेयरिंग आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। लगी हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक नई शेयरिंग के साथ आपसे पुनः मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आप सभी मित्रों का। हैप्पी गार्डनिंग।